अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की नई वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई हसन फारूक बल्लास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, आज की वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। लाइव सेशन आज इस वजह से स्टार्ट करना था, नहीं कर सका क्योंकि पिंग का थोड़ा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने डिवाइस जो है वो मंगवाई है। होपफुली आज शाम तक या कल तक जो है वो मेरे पास आ जाएगी। जैसी डिवाइस आएगी उसके बाद जो है वो पिंग का, क्योंकि वो वीडियो में जो है डिले बहुत आ रहा है, तो क्योंकि होगा ये कि मैं आपको बताऊंगा अभी बाय कर लो, आपके पास पहुंचेगी 15 सेकंड 20 सेकंड बाद, उस वक्त मार्केट कहाँ होगी, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट नहीं कर सके। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे कल क्या बोला था और क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है, वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। कल जो है हमने आपको बताया था कि बाय हमने करनी है किस जगह से, कि मार्केट उस वक्त थी 1794 से, आपको बताया था कि ये एक बहुत स्ट्रांग एरिया और ये बहुत स्ट्रांग एरिया। आप देखें जैसे ही हमने वो स्ट्रांग एरिया की बताई, वहीं से मार्केट उस एरिया से ऊपर जो है नहीं गई। आपको मैंने मेंशन भी किया था काफ़ी स्ट्रांग एरिया है। आपको बताया था कि अगर मार्केट वापस आती है इस ट्रेंड लाइन पे जो है वो क्या कहते हैं रेजिस्ट करती है तो आप बाय कर सकते हैं, मगर आप देख सकते हैं मार्केट वहाँ से जो है ट्रेंड लाइन को तोड़ गई, तो हमारी कल कोई ट्रेड जो है वो एक्टिव नहीं हुई। आज क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर में जो है यूएस की न्यूज़ भी आने वाली है। मेरे हिसाब से जो है अभी भी मैं यही देख रहा हूँ कि बाइंग का पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा है इस मार्केट में, मगर हम अभी जो है वो बाय नहीं करेंगे। न्यूज़ स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर जो है जो मैंने देखा है उसके मुताबिक भी जो है इस वक्त काफ़ी लोग जो है सेल में फंसे हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को जो है बाय में जाना चाहिए क्योंकि लोग जो है वो सेल में फंसे हुए हैं, मगर हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। हमेशा मैं आप लोगों को यही चीज़ कहता हूँ कि कभी भी मार्केट में आंखें बंद करके आप लोगों को नहीं उतरना चाहिए। आप लोग इंतज़ार करें इस एरिए के ब्रेक होने का, 1790 ये वो एरिया है जहाँ पे आपने बाय देखनी है। जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है आपने M15 पे, बेशक क्योंकि न्यूज़ का टाइम होगा, M15 पे आपने देखना है यहाँ पे मार्केट आएगी कहाँ तक, 1794 तक। वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होने का वेट करिएगा और जैसे ही रिवर्स होके मार्केट बाय में कैंडल बनाती है तो आप बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा है 1850, जो कि मैंने आपको कल फिबोनाची लगा के भी दिखाया था कि किस तरीके से आपने करना है। तो हमारा फ़िलहाल का आज का टारगेट होगा ये वाला जो हमारा लास्ट हाई है, जो कि 1810 है, ये इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। बात करें अगर बैकअप की, तो बैकअप हम इस तरीके से लगाएंगे कि फ़र्ज कर लें कि मार्केट न्यूज़ जो है वो डॉलर को स्ट्रांग करती है, गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है 1783 को, आप इसको जाने दिएगा, आपने तब तक सेल नहीं करनी जब तक मार्केट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मार्केट न्यूज़ पे नीचे जाए और फिर एकदम से बाय में चली जाए तो आपको लॉस होगा। आपने मार्केट का H1 बंद होने देना है, वापस आने देना है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने देना है। टेस्ट करने के बाद जब सेलिंग में H1 बनेगा तब सिर्फ आप सेल करेंगे, अदरवाइज आप सेल जो है नहीं करेंगे अनटिल एनलेस के ये एरिया जो है ये ब्रेक हो जाए। तो गाइज ये हमारी आज की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि न्यूज़ आने वाली है, वीडियो अपलोड भी करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें और वीडियो बाकी लोगों तक शेयर करें। दुआ में याद रखें, जम के पैसे कमाएं। अल्लाह हाफिज़।